श्रीकाल सारे नु, मेरा नाम पुनीत कौर है। मैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हाँ, एंड मैं सिक्स्थ ईयर स्टूडेंट हाँ। एंड फाइनली मैं घर आ चुकी हाँ अपने। एंड मैं जदों हमला होया सीगा उदों मैं ट्रेन च सीगी, बिकॉज मेरी अगले दिन फ्लाइट सीगी। एंड मैंने सुबह 5 बजे पता लगा कि हमला हो रहा है, बिकॉज मैं ट्रेन च सीगी। मैंने सिचुएशन का बिल्कुल भी पता नहीं सीगा। दैन मैं ओडेसा पहुंची, दैन मैं कॉन्टैक्ट किया अपने एजेंट्स नूं। उन्होंने मैंने कहा होस्टल च रहो, उत्थे ही रहो, सेफ आ, वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सिचुएशन का पता नहीं है अगे किन्नी हार्श होएगी जां फिर नॉर्मल होएगी। फिर मैं उत्थे 2 दिन स्टे किया यूनिवर्स होस्टल विच। दैन अगों यूनिवर्सिटी वाले बच्चों ने बसिस अरेंज कीतियां हुई सीगे। दैन मैं बस च बैठ के रोमानिया बॉर्डर पहुंची। एंड बस जिहड़ी सीगी ओह 15 किलोमीटर पहला ही रुक गई सी, आपां चल के गए बॉर्डर ते। अगों मैं फिर बॉर्डर ते काफ़ी ज़्यादा भीड़ सीगी, बच्चे भी काफ़ी पैनिक सीगे। एंड उत्थों दे बॉर्डर सिक्योरिटी भी पूरा कोऑपरेट करन दी कोशिश कर रही सीगी। एंड उन्हां नूं भी हार्श होना पै रहा सीगा बिकॉज ऑफ सिचुएशन। एंड फिर मैं एटलीस्ट 9 बजे बॉर्डर क्रॉस कर लिया सीगा। तो फिर मैं रोमानिया पहुँच गई सी। अगों मतलब सारा को अगों मैं फिर बस सी कर बस अवेलेबल सी रोमानिया वालों। फिर मैं उत्थे एयरपोर्ट पर पहुँच गई सी। दैन अगों एम्बेसी के मैंबर सारा कुछ अवेलेबल सके, वो साढ़े नेम पासपोर्ट सारा कुछ पूछ रहे थे। अगों फिर उन्होंने फ्लाइट का बंदोबस्त किया। तो एटलीस्ट 9 बजे मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई सी। एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू गवर्नमेंट हू हैल्प अस अलॉट। एंड मैं चाहती हाँ कि बाकी बच्चे भी छेती तो छेती वापस आ जाए, एंड उन्होंने वापस लिया की कृपालता करो। थैंक यू सो मच।